हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज सौरव। सो गाइज, मैंने आपके कुछ आर्टवर्क्स लिए हैं इंस्टाग्राम पे, जो भी आप मुझे टैग करते हो तो वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। मैंने रैंडमली चूज किए हैं। मैंने पहले भी दो वीडियोस अपलोड की थी तो उसमें मैंने अभी काफी मिस्टेक्स के बारे में बताया था, बट इस वीडियो में मैं ज्यादा मिस्टेक्स के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि फिर वीडियो रिपीट हो जाएगी। तो मैंने कुछ आपके बहुत हार्ड हार्ड आर्टवर्क्स लिए हैं, जो कि आप बहुत हार्ड आर्टवर्क्स आजकल बना रहे हो। सो जिन्होंने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो भी आप ड्रॉ करते हो तो आप मुझे टैग कर देना, मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपका आर्टवर्क ले लूं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला आर्टवर्क है मेन AK डेब आर्ट्स। तो ये इन्होंने काफ़ी अच्छा रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक बनाया है, जो कि ओल्ड मैन है। तो ये मैंने बनाया था, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, हाइपर रियलिस्टिक करके, तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था। तो इन्होंने भी उसी टाइप से बनाया, बट इसमें आपने ब्लेंडिंग काफ़ी ज़्यादा कर दिया है, जो कि मतलब थोड़ा सा कम लग रहा है। अगर आप मेरे में ऑब्जर्व करोगे तो मैंने इतनी ज़्यादा ब्लेंडिंग नहीं किया है। और जो टेक्सचर होता है ना ओल्ड मैन का, या फिर ओल्ड होते झुर्रियाँ होती हैं फेस पे, तो पोर वगैरह होते हैं जो कि डार्क डार्क होते हैं, तो वो ऑब्वियसली वो आप ऑब्जर्व करो अच्छे से तो वो रफ़ होते हैं। आपको ज़्यादा ब्लेंडिंग करने की जरूरत नहीं है अगर आप ओल्ड इस टाइप के ड्रॉ करते हो। मैं ट्यूटोरियल बना दूंगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ आपको ज़्यादा ब्लेंडिंग करने की जरूरत है ही नहीं, तो स्मूथ लगेगा अगर आप ब्लेंडिंग करोगे तो जो कि रियलिस्टिक नहीं लगेगा। तो आप अच्छे से ऑब्जर्व करो टेक्सचर को, कोई ज़्यादा ब्लेंडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने भी हल्का सा ब्लेंड किया था ब्रश का यूज़ करके, और उसके ऊपर से जो भी झुर्रियाँ वगैरह होती हैं उनको शेडिंग करो, शेडिंग पे फोकस करो। बाय द वे, आपने काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक बनाया और हाइपर रियलिस्टिक भी लग रहा है, तो बहुत हार्ड है। नेक्स्ट आर्टवर्क है सौरभ का। तो इन्होंने ये बनाया है, जो कि आई थिंक ग्रिड का यूज़ करके बनाया है, और आउटलाइंस काफ़ी अच्छे से बनाई है, शेडिंग भी काफ़ी अच्छे से किया, बट डार्क एरियाज को अच्छे से ऑब्जर्व करो, डार्क एरियाज को जरूर ऑप्ट करो। बाय द वे, कल आएगी मेरे चैनल पे वीडियो जिसमें मैं शेडिंग, फेस की शेडिंग के सारे डाउट्स आपके क्लियर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने एक स्केच ड्रॉ किया भी इंस्टाग्राम पे अपलोड किया, आपने देखा होगा, तो उसमें लाइट, शेडो, डार्क एरिया काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उसमें आई थिंक आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा। तो कल वीडियो आएगी, इसके सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। बाय द वे, आउटलाइंस, मेजरमेंट काफ़ी अच्छे से आपने शेडिंग भी किया, बट डार्क एरियाज को देखो, थोड़ा टाइम लगाओ, काफ़ी अच्छे से आप ड्रॉ कर पाओगे। बाय द वे, ये भी काफ़ी हार्ड है। नेक्स्ट है SG आर्ट्स। तो इन्होंने बनाया दीपिका पादुकोण को, जो कि काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, हेयर और जो शेडिंग वगैरह है काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी लग रही है। तो अगर काफ़ी लोग इसमें ये बोल सकते हैं कि मतलब एक्यूरेट नहीं है, तो एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि मतलब कोई भी पोर्ट्रेट ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा तभी वो पोर्ट्रेट होगा, तभी उसको आर्ट बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आप 90% भी अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं, सुंदर लगना चाहिए आपका आर्टवर्क इस तरह से, तो आपका आर्टवर्क माना जाएगा। काफ़ी ऐसे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट ड्रॉ नहीं करते, बट फिर भी काफ़ी जो स्पीड पेंटर होते हैं आप देखो तो बिल्कुल एक्यूरेट ड्रॉ नहीं करते। तो ऐसा मत का सोचना कि बिल्कुल एक्यूरेट होगा, अच्छे से शेडिंग होगी, बट कुछ भी आप ड्रॉ करते हो, चाहे उसमें लाइट शेडिंग हो, चाहे उसमें डार्क शेडिंग हो, मैं तो आपको वैसे बता रहा हूँ ना थोड़ी बहुत, अगर आपको बिल्कुल रियलिस्टिक बनाना है स्टेप बाय स्टेप, मतलब कहाँ पे लाइट एरियाज, कहाँ पे डार्क एरियाज, मैं इस तरह से आपको बता रहा हूँ। बट अदरवाइज कुछ भी आप ड्रॉ करते हो ना, तो वो एक आर्ट है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। चाहे आप कुछ भी ड्रॉ करते हो, चाहे वो टेढ़ा मेढ़ा हो, चाहे वो किस तरह से भी हो, तो कभी भी ये मत सोचना कि टेढ़ा मेढ़ा है, बिल्कुल 100% होता है, उसी को आर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रतीक, सेल्फ टॉट आर्टिस्ट। तो इन्होंने ये संजू बनाया स्केच बाय मी, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपने बनाया शेडिंग वगैरह, जो कि काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव लग रहा है, तो ये भी बहुत हार्ड है। नेक्स्ट है शुभम गंगन का। तो इन्होंने ये दो आर्टवर्क्स बनाए, एक तो शिवाजी महाराज का बनाया जो कि मैंने भी बनाया था, और सुपरमैन का बनाया, जो कि दोनों काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, बस थोड़ा डार्क एरियाज पे वर्क करो। बाय द वे, सारे वर्क जो भी आपने दोनों बनाए काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आपने बनाए, आई थिंक स्मूथ पे बनाए, जो ब्लेंडिंग है, जो शेडिंग वगैरह है, वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हुई है, ये भी काफ़ी हार्ड है। नेक्स्ट है अर्कप रवा दास। तो इन्होंने भी ये ओल्ड मैन बनाया, तो ये मुस्टैचे और बियर्ड हो गया, तो ये थोड़ी सी वियर्ड लग रही है, जो कि आई थिंक आपने वाइट जेल पेन का यूज़ किया, मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था कि मैं वाइट जेल पेन का यूज़ कर रहा था उसमें, तो एक टेक्निक होती है यूज़ करने के लिए, जल्दी ही मैं इस पर वीडियो बना दूंगा कि जो ओल्ड मैन होते हैं कि इस तरह से, मतलब इस पर मैं जल्दी ही वीडियो बनाने वाला हूँ, तो इस तरह से मत करो कि मतलब कंप्लीट, तो ये थोड़ा वियर्ड सा लग रहा है, एक टेक्निक होती है, या फिर आपने वाइट जेल पेन का यूज़ किया या आइडेंटिंग टेक्निक का यूज़ किया होगा, तो आइडेंटिंग टेक्निक भी एक मेथड होता है यूज़ करने का, कहाँ पे यूज़ करनी है, किस तरह से यूज़ करनी है, तो उस पर भी मैं जल्दी ही डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। बाय द वे, काफ़ी अच्छे से आपने बनाया मेजरमेंट वगैरह, और जैसे कि मैंने फेस पे बताया आपको कि आप शेडिंग करो, ज़्यादा ब्लेंडिंग पे फोकस मत करो, शेडिंग से ही आपका रियलिस्टिक लुक आएगा, हाइपर रियलिस्टिक अगर आपको बनाना है तो आप अच्छे से शेडिंग, अच्छे से फोटोग्राफ क्लियर होनी चाहिए, तो ऑब्जर्व करो अच्छे से। बाय द वे, ये भी काफ़ी हार्ड है। नेक्स्ट है मीनाक्षी आर्ट। तो इन्होंने ये स्टिल लाइफ बनाया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो जो भी बिगनर्स है मैं आपको कहना चाहूँगा, आप इसी तरह से स्टिल लाइफ की प्रैक्टिस किया करो शेडिंग के लिए। नेक्स्ट है KMP4796। तो इन्होंने ये कार बनाई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, और बैकग्राउंड भी देखो, मतलब पर्सपेक्टिव देखो, ऐसा लग रहा है नीचे से कोई पहाड़ से ऊपर की तरफ आ रही है,
मतलब नीचे से ऊपर की तरफ प्रोस्पेक्टिव देखो जो नीचे की तरफ, तो ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, तो ये भी काफ़ी हार्ड है। नेक्स्ट है बीइंग आर्टिस्ट, तो ये इन्होंने बनाया है अक्षय कुमार का, जो कि मैंने रियल टाइम वीडियो अपलोड की थी इसकी, तो ये भी आपने काफ़ी अच्छे से लगा बनाया है। बट जो मेन प्रॉब्लम है जो कि ब्लेंडिंग की है, जो कि मैं आपको कहता हूँ शेडिंग पे फोकस करो, अगर आप शेडिंग पे फोकस करोगे डार्क एरियाज लाइट एरियाज, क्योंकि ओनली मेजरमेंट से या फिर ब्लेंडिंग टूल्स यूज़ करके ही आप बिल्कुल रियलिस्टिक या फिर परफेक्ट ड्रॉ नहीं कर सकते। परफेक्ट आपका तभी ड्रॉ होगा जब आपकी शेडिंग एक्यूरेट होगी, शेडिंग से ही आपके एक्सप्रेशन आएंगे। तो शेडिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करके कहाँ पे किस तरह से शेडिंग करनी है डार्क एरियाज लाइट एरियाज को, थोड़ा टाइम लगाओ लेकिन जो वर्क आपको मिलेगा वो काफ़ी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है पीस अमोंग अस, तो इन्होंने थेनोस का बनाया, अगर मैं आपको इसको जूम करके दिखाऊं तो ये इस तरह से मैं आपको शेडिंग करने के लिए कह रहा हूँ, जो भी ओल्ड मैन वाली आपने बनाई थी या फिर जो पिछले मैंने आपको दिखाई, तो उनमें आप इस तरह से अगर शेडिंग करो तो फेस पे देखो ज़्यादा ब्लेंडिंग नहीं की है और 3D लुक आ रहा है, उभर के आ रहा है फेस। तो इसी मेथड का मैंने यूज़ किया था जो मैंने भी ड्रॉ किया था, तो ये आपने काफ़ी ज़्यादा हार्ड बनाया है। नेक्स्ट है KRNYDV, तो इन्होंने ये बनाया देखो, मतलब छोटा सा बनाया है, तो मैं जो बिगिनर्स कहता हूँ कि आपको ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बड़े में थोड़ी प्रॉब्लम होती है बनाने में, छोटा आप फ़ोन में से देख के काफ़ी अच्छे से बना सकते हो। तो आप प्रैक्टिस के लिए जो भी फिगर की प्रैक्टिस है, हैंड की प्रैक्टिस है, तो आप छोटे छोटे बनाओ फ़ोन में से देख के, तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा हार्ड लग रहा है ये। नेक्स्ट है माई स्केच माई वे, तो इन्होंने ये बनाया देखो कितना ज़्यादा मतलब रियलिस्टिक लुक आ रहा है फेस पे। बाय द वे ये मैं भी ड्रॉ करने वाला हूँ, ये फोटोग्राफ मेरे पास भी पड़े काफ़ी टाइम से, मैं इसको बनाना चाहता था बट इसमें काफ़ी टाइम लगा, ये मतलब इन्होंने तो ओनली फेस बनाया है बट ये पूरा नीचे तक है, कि मेरे पास रेफरेंस फोटोग्राफ पड़ी है काफ़ी क्लियर है, तो इसको मैं भी बनाऊंगा। अभी तो थोड़ी एग्जाम्स की टेंशन है, तो एग्जाम्स कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि काफ़ी टाइम लगने वाला है इसको बनाने में, तो मैं ट्राई करूँगा बिल्कुल रियलिस्टिक बनाने की। नेक्स्ट है सुमित सरकार, तो इन्होंने ये कैरी मिनाटी को बनाया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपने अच्छे से बनाया है, बैकग्राउंड को भी शेड किया है, तो ये भी बहुत हार्ड है। नेक्स्ट है थ्री कार्ड्स, तो इन्होंने ये बनाया है, तो इसमें भी बियर्ड मुस्टैचे हेयर वगैरह वो आपने बिल्कुल डार्क चारकोल का यूज़ करके आई थिंक बिल्कुल डार्क कर दिया, मतलब उनमें 3D इफेक्ट नहीं आ रहा है, फेस पे भी शेडिंग नहीं है। तो कल वाली वीडियो देख लेना जिसमें मैं मतलब फेस पे अच्छे से शेडिंग करके दिखाऊंगा आपको, और बियर्ड और मुस्टैचे के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने किस तरह से बता रखा है किस तरह से आपको शेडिंग करनी चाहिए, मतलब किस तरह से नहीं करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए, इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है बियर्ड और मुस्टैचे पे, तो वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है जसमीरा हमीद आर्ट्स, तो इन्होंने ये बनाया है ब्रूस ली को, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपने बनाया है, 4 आवर्स में बनाया है, तो बहुत हार्ड है। नेक्स्ट है कुमार लक्ष्य का, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, तो इन्होंने ये बनाया है नरेंद्र मोदी जी को, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे से आपने बनाया है, तो अभी से इतना बढ़िया आप ड्रॉ कर ले रहे हो, जब मैं तो 12th तक भी नहीं बना पाता था, 12th के बाद मैंने ड्राइंग स्टार्ट की थी, 12th तक भी मैं मतलब हल्की फुल्की करता था, कार्टून्स वगैरह बनाता था, तो अभी से आप बना रहे हो तो 1-2 साल में तो आप काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। तो बस ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो और स्टडी पे भी फोकस करो, स्टडी सबसे ज़्यादा मेन होती है। जो भी मतलब बच्चे हैं स्कूल में, जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ ये बात जरूर जाता हूँ, स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करो। बाय द वे ये तो प्रैक्टिस आप कभी भी कर सकते हो खाली टाइम में। नेक्स्ट है आर्टिस्ट हर्षित, तो इन्होंने ये बनाया है क्लोथ की, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक आपने बनाया है 6 आवर्स में, तो देख लो गाइज किस तरह से इन्होंने शेडिंग की है जो भी क्लोथ में है। तो क्लोथ में मैंने वीडियो बना रखी है वैसे, इसमें शेडो हाइलाइट्स और डार्क एरियाज ये इंपॉर्टेंट होते हैं, शेडो हाइलाइट्स और डार्क एरियाज, तो बहुत हार्ड लग रहा है ये भी। नेक्स्ट है RAKSU, तो इन्होंने ये स्केच काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया है, बट इसमें मुझे एक ही प्रॉब्लम लगी, जो कि वाइट जेल पेन आई थिंक आपने यूज़ किया है ऊपर से हेयर में, देखो मतलब वहाँ पर ज़रूरी नहीं है आपको हाइलाइट करना है वाइट जेल पेन से, टोम्बोज इरेजर का यूज़ कर लो या फिर ना करो तो भी ब्लैक छोड़ दोगे तो भी अच्छा लगेगा, ज़रूरी नहीं है आपको हाइलाइट्स करने हैं, मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए आपका जो हेयर है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि जैसे फोटोग्राफ में दिख रहे हैं वहाँ पे हाईलाइट है तो वहाँ पे ही करना है आपको, आप अपने हिसाब से बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको हाईलाइट करना ही करना है, मतलब ये थोड़ा वियर्ड लग जाता है ऊपर से देखो, जैसे वाइट दिख रहे हैं और बियर्ड में भी और आईब्रोज में भी, तो ये इस चीज़ को अवॉइड करो, जरूरी नहीं है कि आपको इस तरह से करना है, इसके बिना भी आपका आर्टवर्क काफ़ी अच्छा लगता है। नेक्स्ट है कौशिक घातक, तो इन्होंने ये रजनीकांत सर को बनाया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड लग रहा है, बस एक ही प्रॉब्लम है वही वाइट जेल पेन वाली या फिर वाइटनर आपने जो भी बियर्ड मुस्टैचे में यूज़ किया तो उसको अवॉइड करो, वहाँ पे आप चारकोल का यूज़ करके या फिर वहाँ पे जगह छोड़ के या फिर टोम्बोज इरेजर का यूज़ करके पेंसिल इरेजर का यूज़ करके वहाँ पे तब वाइट करके करने की देखो, बाद में बहुत हार्ड है। नेक्स्ट है द स्केच बॉक्स, तो इन्होंने ये बनाया देखो मतलब ओरिजिनल और स्केच में मतलब बिल्कुल भी डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, बस थोड़ा सा लाइट और डार्क का डिफरेंस है, वो क्या पता फोटोग्राफ क्लिक करने में हुआ हो, वो तो होता ही है, मतलब फोटोग्राफ क्लिक करने तो वो लाइट सी आती है, बट बहुत ही ज़्यादा हार्ड लग रहा है ये भी। सो गाइस बस यही कुछ आर्टवर्क्स मैंने आपके चूज़ किए थे जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड थे, आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ड्रॉ किया है, जो भी मैंने आपको बताया मिस्टेक्स उनको
कवर करने की कोशिश करना, और जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा फेस की शेडिंग के लिए उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना, और जिनको मैं चूज़ नहीं कर पाया उनको मैं सॉरी कहना चाहूँगा। और इंस्टाग्राम पे इतने आजकल तो इतने मैसेजेस आ रहे हैं, इतने कमेंट्स आ रहे हैं, तो मतलब मैं सबके रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। मेरा बहुत मन रहता है कि सबसे बात करूँ, सबसे रिप्लाई करूँ, बट नहीं कर पाता हूँ। मतलब डेली के जो रिक्वेस्ट होते हैं ना उसमें हंड्रेड से ज़्यादा आते हैं जो रिक्वेस्ट होती हैं, और ऊपर से जो जिनके मैं डेली, मतलब कई तो ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिनसे मेरी डेली बात हो जाती है, बट कई तो ऐसे जिनसे एक बार भी नहीं हुई, तो उनको मैं सॉरी कहना चाहूँगा। क्योंकि आपको पता होगा मतलब मैं इतना सोशल मीडिया पे हूँ ही नहीं, मतलब मैं सारा दिन काम करता रहता हूँ, बस सोशल मीडिया पर मैं अपलोड करता हूँ फोटोज़ को, कमेंट के रिप्लाई कर लेता हूँ, वीडियो अपलोड कर लेता हूँ यूट्यूब पे, कमेंट के रिप्लाई कर लेता हूँ, बस इससे ज़्यादा मैं करता ही नहीं हूँ। मतलब डेली एक स्केच बनाना कोई आसान काम नहीं है, तो उसके लिए मुझे काम करना पड़ता है इन चीज़ों को छोड़ के, तो इसलिए मैं आपके रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ सबके, बट मैं ट्राई करता हूँ सबके रिप्लाई करने की। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। जिन्होंने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और अपने आर्टवर्क्स मुझे टैग करते रहना, मैं ट्राई करूँगा जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ इस टाइप की आपके आर्टवर्क्स उसमें आ जाएँ। सो विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।